त्योंथर रीवा जिले की त्योंथर जनपद पंचायत के अंतर्गत बरुआ ग्राम पंचायत में टोक से बरुआ संपर्क मार्ग विगत एक वर्ष से अधिक हो गया है। संपर्क मार्ग का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। लोगों को खेतों से आना जाना पड़ रहा है। जो भी कार्य बरुआ सरपंच और सचिव के द्वारा अब तक कराया गया सब अधूरा ही पड़ा हुआ है और धन का आहरण कर लिया गया। उक्त आरोप ग्राम पंचायत निवासी मनोज गहरवार द्वारा लगाया गया है, जिसकी जाँच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जाँचों परांत ही संभव है। आइए आपको सुनाते हैं एडवोकेट मनोज गहरवार की जुबानी। कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। जिला पंचायत सीईओ रीवा एवं जिला कलेक्टर रीवा जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनका ध्यान इस ओर कब जाएगा यह तो देखने वाली बात होगी। लोगों को आने जाने का सुगमता पूर्वक मार्ग की निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, कार्य गुणवत्ता पूर्ण होगा या इसी तरह से चलता रहेगा। सरपंच सचिव मस्त है, प्रशासन मस्त है। आपकी खबर हमारी नज़र, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। इस समय हमारे सामने जो है बरुआ ग्राम पंचायत के जो है मनोज गहरवार जी मौजूद है। सर, बरुआ में टोंक और बरुआ के मध्य जो है सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है, कैसा कार्य हो रहा है? अभी आप वीडियो को देखे हुए हैं, अब कैसा कार्य हो रहा तो सामने ना वीडियो, और उस रास्ते के बारे में आपसे मैं छोटा सा बहुत छोटा वाक्य अगले बारिश की बता रहा हूँ। उसी रास्ते के कारण एक महिला का प्रसव हो गया था। रास्ते में एक महिला इलाज बिना मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ये सामने फिर से कंडीशन आप देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। मतलब पैदल आदमी नहीं चल सकता, गाड़ी वोड़ी तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी तो कोसों दूर है। अब ये रास्ता कंटिन्यू आज इतने सालों से ग्रामीण झेल रहे हैं, जिसका अब ये है कि टोंक के पब्लिक है बेचारे, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितने दिन पूर्व से ये कार्य चल रहा है? कार्य आज ये 6 महीने चल रहा है, 6 महीने से। और ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी काम है सारे काम, आप एक गौशाला देख लीजिएगा, आज गौशाला 3 साल से चल रही है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। कुनिया पहुंच मार्ग है पंडापुरवा से, उस रोड की दुर्दशा इससे भी बदतर है। मतलब लोगों का जीना दुर्भाग्य, 4 महीने लोग खटिया से अपना जीवन यापन करते रहे। कोई बीमार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, कोई प्रसव हो गया तो वहाँ पे लोग अपना खटिया पे लेके खेत खेत जाएंगे, रोड नहीं, रोड में निकलना दूसरा है, खेत से अपना चले जाएंगे। कम से कम मिट्टी उट्टी तो इतना ज़्यादा कटाव वटाव नहीं है। कितने मीटर बनाई जा रही है? अब ये भैया रोड बनाई जा रही है 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार देख लीजिए, कम से कम ग्रामीणों के ऊपर तरस खाइए। केंद्र सरकार राज्य सरकार इतना सब कुछ कर रही है, उसका लाभ दिलवा दीजिए, रोड और बनवा दीजिए। सारा पैसा निकला है, सारा स्वीकृत है, उसके बाद भी रोड की ये दुर्दशा है, 6 महीने से काम चल रहा है, अब काम जीरो है। इसके अलावा भी 2-3 काम और पंचायत स्तर पर चल रहे हैं, बरुआ घाट निर्माण उसका वो भी जीरो है, कब्रस्तान बन रहा है वो भी जीरो है। अब पैसा आज से लगभग 3 साल पहले निकाला जा चुका है। क्या शुभ नाम है आपको? मेरा नाम है अधिवक्ता मनोज सिंह गहरवार। निवासी? निवासी बरुआ।